वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर कस्टम टूर्नामेंट। सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम हर वीक में फ्री कस्टम और पेड कस्टम अरेंज करते हैं आपके लिए। सो प्लीज़ गाइस इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें ताकि हम आपसे जुड़े रहें। यहाँ पर सब अपनी अपनी लूट करते हुए, यहाँ पर TGL ग्रुप ने मांबा स्क्वाड को ख़त्म कर दिया है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर सिटी में उनने अपना राज कर लिया है। यहाँ पर मॉर्टल ने शेरा को नॉक कर दिया है। शेरा की पूरी टीम रोड के उस पार है और मॉर्टल पीक ले रहे हैं, देख रहे हैं एक और बंदा नॉक हो सकता है कि नहीं, और वो पीक ले रहे हैं, उनको नॉक करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बट अपोनेंट टीम भी बहुत अच्छा डिफेंस कर रही है। यहाँ STR मॉडल बहुत अच्छा नेट फेंकते हुए और ये डैमेज कर दी है दो बंदों को उन्होंने, और उनकी टीम से मुफासा ने एक नेट से दोनों को नॉक कर दिया है। अब मुफासा रश करेंगे और ये सामने एक और TPP लेता हुआ बंदा एक और नॉक कर दिया है इन्होंने। 20 नंबर का एक ही टीम मेंबर बचा हुआ है, वो है शेरा। शेरा बहुत अच्छी फाइट लेते हुए मगर वो भी किल हो गए मुफासा से। और यहाँ पे पुचिंग की में राज कर लिया स्टार मॉडल की टीम ने। पुचिंग की में चारों ओर शांति का माहौल, यहाँ पर अब कोई नहीं है इनके अलावा। यहाँ अल्ट्रा की स्क्वाड पर 24 नंबर टीम ने हमला कर दिया है। यहाँ पर टीम 3 का एक बंदा अकेला पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। यहाँ सब TPP लेकर नॉक करने की ओर, और यहाँ पर टीम नंबर 24 ने अल्ट्रा स्क्वाड पर रश कर दिया है। यहाँ बैक अल्ट्रा के पीछे एक बंदा पड़ गया है पीछे हाथ धो के, और वो अपने आप को सेव करते हुए। टीम नंबर 24 रश करने की और ऊपर आना चाहती है पर अल्ट्रा बहुत अच्छा कवर देते हुए। और फाइनली पूरी स्क्वाड ऊपर आ रही है, एक एक करके सारे टीम मेंबर्स ऊपर आ रहे हैं 24 टीम के स्क्वाड के। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं टीम नंबर 24। और किंग अल्ट्रा ने नॉक कर दिया है एक बंदे को। किंग अल्ट्रा बहुत अच्छा कवर देते हुए मगर टीम नंबर 24 का भी कवर बहुत अच्छा था इसलिए उनने स्क्वाड वाइप कर दिए। और ये टीम नंबर 3 के फेस पता नहीं अकेले क्यों भटक रहे हैं, यहाँ पे पूरी स्क्वाड है यहाँ पे, उनको पता नहीं है शायद। और ये यहाँ पे नेट फेंकने की कोशिश पर बाजू से टीम नंबर 24 का एक बंदा आ चुका है और ये गिर पड़े हैं। काश इनकी स्क्वाड यहाँ पे होती तो इन्हें बचा पाती। इसलिए स्क्वाड में खेल रहे हो तो स्क्वाड के साथ रहना ज़रूरी है। टीम नंबर 8 ने अभी अभी डुओ को मारा है बहुत ही अच्छा खेलते हुए, अपने टीम मेंबर्स को सपोर्ट करते हुए। और टीम नंबर 8 गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए, मैं तो रस्ते से जा रहा था, मैं तो खेल पूरी खा रहा था। बाप रे, उनको पता नहीं था कि टीम नंबर 17 उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। यहाँ पे टीम नंबर 8 के लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ से निकलना क्योंकि अब जोन भी आ रहा है उनके पास। यहाँ स्मोक करके भागने की कोशिश, यहाँ पे सब टीमें बैठ चुके हैं और यहाँ पे जोनाथन नॉक हो चुके हैं।
बहुत ही मुश्किल की घड़ी टीम नंबर 8 के लिए, क्योंकि जोन भी उनको बहुत डैमेज कर चुका है और उनके दो बंदे नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 17 फुल कवर में है। टीम नंबर 8 बहुत मुश्किल है वहां से निकलना। यहां पे टीम 17 शायद रश कर रही है उन पे। बट वन को जोन बहुत डैमेज दे रहा था, इसलिए वो जोन में जाने की सोच रहे हैं। और यहां पर टीम नंबर 4 की टीम नंबर 6 से बहुत इंसेन फाइट हो चुकी है। टीम नंबर 4 के नेक्सस अमित बचे हैं इनकी स्क्वाड के, और ये बहुत अच्छा नॉक करते हुए एक बंदे को, और आगे बढ़ते हुए इन्होंने एक और नॉक कर दिया है बहुत अच्छे। यहाँ पर टीम 6 का अकेला बंदा बचा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। बट यहाँ पे टीम नंबर 11 ने उनपे थर्ड पार्टी कर दी है, और यहाँ पे टीम नंबर 4 वाइप आउट हो चुकी है। यहाँ पे टीम 6 का अकेला बंदा बचा हुआ है, पता नहीं कैसे। टीम नंबर 6 की स्क्वाड का ये अकेला बंदा बच चुका है, बट वो अपने टीममेट को बचाने में सार्थक नहीं रहे और उनका टीममेट मर चुका है। अब ये अकेले बचे हुए हैं, बहुत ही डरे हुए सहमे से हैं। टीम नंबर 11 के मुफासा बहुत ही अच्छा खेलते हुए अपने टीम के लिए 5 किल निकाले इन्होंने। और यहाँ पे टीम नंबर 26 के कार्नी भागते हुए, शायद उनको अपनी जान बहुत प्यारी है। टीम नंबर 11 भी उनके पीछे, पर टीम नंबर 8 उनके पीछे जोन्स की तरफ भागते हुए आ रही है। मैडम जोन के बाहर पेट पकड़ चुकी हैं, और ये टीम नंबर 25 के स्पाइडी पता नहीं हवा में स्मोक कहाँ हो रहा है। सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसलिए वो हवा में उड़ रहे थे। यहाँ पर टीम नंबर 12 के जो भी नाम है इनका बहुत लो है। और ये टीम नंबर 6 के आरपी कार्नेज बहुत ही अच्छा नॉक करते हुए टीम नंबर 12 के बंदे को, बट उनको पीछे से ही पड़ सकती है। वो अपने आप को सेव करने की कोशिश। टीम नंबर 12 बहुत ही अच्छे अपने टीम को सपोर्ट करते हुए। हाँ, 25 टीम नंबर के स्पाइडी एकेएम में 4x चला रहे हैं, बहुत ही अच्छा सेंसिटिविटी है इनका। यहाँ सब नीले जोन में बहुत चुस रहे हैं। यहाँ टीम नंबर 3 टीम नंबर 21 का इंतजार कर रही है, पर टीम नंबर 21 के स्मोक राना बहुत ही अच्छे कवर में आते हुए। यहाँ टीम नंबर 3 का एक बंदा ओपन में आते हुए और स्मोक राना उनको नॉक कर देंगे। और यहाँ टीम नंबर 3 के ऑस्ट्रिच टीम नंबर 21 को नॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे नेट फेंकेंगे। शायद 21 टीम के राना नॉक हो जाएंगे, क्योंकि नेट बहुत परफेक्ट फेंका है उन्होंने, और ये नॉक हो गए और किल भी हो गए। यहाँ स्मोकर जी बहुत अच्छा जोन की तरफ बढ़ते हुए, सबको ये नीला जोन बहुत डैमेज दे रहा है, सबको जोन की तरफ जाना होगा। यहाँ टीम नंबर 8 को पता नहीं कि स्मोकर जोन में आ चुके हैं उनके पीछे से, मगर स्मोकर ने फाइट नहीं ली क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत कम थी। यहाँ जोन बहुत छोटा होते हुए रिकॉर्ड तो हो रहा है ना, सबका दिख रहा है ना थोड़ा थोड़ा।
जोन बहुत छोटा हो गया है, इसलिए सबको अपने अपने जोन में जाना होगा और ये जोन बहुत डैमेज देगा। मैं अपने फोन को कर दूं रिकॉर्डिंग चल रही है। यहाँ पे स्काउट ओपे बहुत ही अच्छा कवर में लेटे हुए हैं। टीम नंबर 11 को पता भी नहीं कि ये यहाँ पे कैंप कर रहे हैं। वो आ रहा भाई था, उसकी एक और आईडी बैन हो गई। टीम नंबर 11 बहुत ही चप्पे चप्पे से ढूंढ रहे हैं टीम नंबर 18 के स्काउट ओपी को। स्काउट ओपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए लगता कौन कर प्लेयर है। एसटीआर मॉडल को स्प्रे, बहुत ही अच्छा स्लाइड उनके द्वारा, मगर मॉडल मॉली करने की सोची मगर वो नॉक हो चुके हैं और मगर मर चुके हैं। टीम नंबर 11 की टीम मॉडल ने रश कर दिया है टीम नंबर 13 पर। टीम नंबर 13 नॉक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर 11 को। टीम नंबर 13 बहुत अच्छा गेम प्ले शो कर रही है और यहाँ पे करण ने एक बंदे को नॉक कर दिया है। हमारे टीम नंबर 13 डुओ वर्सेस स्क्वाड खेल रही है। यहाँ पे करण पीएमसीओ खेल के आ चुके हैं जो कि कॉन्कर प्लेयर है। मॉर्टल की टीम डुओ में हो चुकी है यहाँ पे रिवाइव करते हुए। तो क्या मर जाएंगे, नंबर की स्क्वाड भी आ गई। यहाँ पे टीम नंबर 17 बहुत ही अच्छे कवर में है जो पिछले टूर्नामेंट की विनर टीम थी। तो टीम नंबर 3 के दो प्लेयर नॉक हो चुके हैं, यहाँ पे अकेले बंदे बचे हैं और यहाँ पे टीम नंबर 25 किल करते हुए। अब उनको जोन में जाना पड़ेगा क्योंकि जोन बहुत डैमेज देगा बाद में। यहाँ पर टीम नंबर 11 के मैग्नेटो ने रश कर दिया खूनी चाचा पर खूनी चाचा बहुत ही अच्छा खेलते हुए अपनी टीम के लिए दो किल निकाला इन्होंने। और खूनी चाचा के भयानक स्प्रे ने 25 टीम नंबर को खत्म कर चुका है। अभी 270 पे आ रही है, पानी गिर रहा है। 204 ये बता दिया ही है सारी स्टूडियो डेली में। अरे यार नेम टाइम पे जा। यहाँ पर करण ने टीम नंबर 10 के बंदे को नॉक कर चुके हैं, उन्हें पीछे से पाने के कारण वो भी नॉक हो चुके हैं। टीम नंबर 10 ने रश कर दिया। यहाँ टीम नंबर 10 ने फायदा उठाया और टीम नंबर 13 पर रश कर दिया इन्होंने। यहाँ टीम नंबर 13 बहुत अच्छा खेलते हुए इन पर नेड आने के पूरे चांसेस हैं। अब देखते हैं ये नेड से कैसे बचते हैं। यहाँ पर टॉप 3 टीमें बची हैं। टीम नंबर 17 ऑलरेडी जोन में है पर टीम नंबर 13 और 10 को जोन में जाना है जो इनके लिए बहुत मुश्किल रहेगा। यहाँ पर वाइपर का बहुत अच्छा नेड हो सकता है और उन्होंने कुक करके फेंक दिया है पर उनके पास एक नेड आ चुका और वो बहुत गंदा बचे और जोन से नॉक हो गए। और यहाँ पर करण बहुत अच्छा खेलते हुए एक बंदे को टेक डाउन कर दिया और पूरा मार दिया उनको, बट इनको जोन में ही जाना होगा नहीं तो वो यहीं मर जाएंगे। और ये जोन में जाते हुए एक और बंदे को उन्होंने मार दिया है।
बदकरन को जोन ने बहुत डैमेज कर दिया, इसका फायदा टीम 17 ने उठा लिया और वो जीत चुके हैं। अरे जोन से मर गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू टीम रॉक जिन्होंने अपनी टीम के लिए 10 किल्स निकाले हैं। ये पिछले टूर्नामेंट के भी विनर थे। यहाँ पर सेकंड नंबर की टीम भी बहुत अच्छा खेली, ये डुओ वी स्क्वाड खेल रहे थे। अगर इन पे जोन बनता तो काश ये जीत सकते थे। थर्ड रैंक ने भी बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखाया। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।